हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो तक हम लोग सेंट्रॉइड वाला पोर्शन पढ़ चुके थे। उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ये दो न्यूमेरिकल्स जो लिखे हैं, इसमें से ये वाला न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। ये न्यूमेरिकल आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। आप इसको अपने आप सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो बाकी पिछले न्यूमेरिकल्स में नहीं थी। बाकी जितने न्यूमेरिकल्स थे उसमें आप देखेंगे कि आपका जो फिगर है वो पूरा फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के राइट में सारे फिगर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। ये एक ऐसा फिगर है जिसमें एक्स एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट की है, वाई एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये वाला फिगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा, इस सेंट्रॉइड की जब आप डिस्टेंस लिखेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो सेंट्रॉइड लोकेट करेंगे, उस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस आप वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से लिखेंगे। अगर ये फर्स्ट पार्ट है तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स वन हो जाएगी और ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई वन हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस लिखते समय आपको ध्यान देना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स वन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और वाई वन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, ये बाकी जितनी शेप्स हैं ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई। बस ये आपको इसमें ध्यान देना है। इसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चार पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन पार्ट्स को ऐड करना है, उसमें से सेमी सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड माइनस फोर्थ। तो ये जो चीज़ मैं आपसे ये कह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए, इसमें इधर देख सकते हैं आप, एक्स वन की वैल्यू 2.5 पॉजिटिव, वाई वन की वैल्यू -2.5 क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये नेगेटिव है। बाकी सारे पार्ट्स ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इनके एक्स और वाई दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती रहेंगी। तो बस ये वैल्यूज निकालने के बाद इसमें आपको नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है और फिर ये वैल्यूज निकालने के बाद आपको ऊपर वाले इन फॉर्मूलों में सब्सटीट्यूट कर देना है वैल्यूज को और वहां से आप ये एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, आंसर्स मैंने नोट कर दिए हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सेंट्रॉइड के आगे का टॉपिक है। जब आप सेंट्रॉइड कंप्लीट कर लेंगे उस सेंट्रॉइड का यूज होगा इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व करने में। पहली चीज तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक डिवीजन मैंने लिखी हुई है ऊपर जिसको मैं रीड कर रहा हूं। इट इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टूवर्ड्स एंगुलर एक्सेलरेशन और रोटेशन। ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी में अगर आप उस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करें, रोटेशन लाने की कोशिश करें, तो वो बॉडी अपने खुद के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मास, उसकी वजह से वो हमारे रोटेशन वाले मोशन को अपोज करती है। ऐसा जो ऑपोजिशन है या रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करते समय हम इसको दो तरह से स्टडी करते हैं। पहला केस होता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तब हम वहां पे कहते हैं कि बॉडी का जो मास है वो बॉडी में रोटेशन लाने को कितना रेजिस्ट कर रहा है। मतलब अगर बॉडी को आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो वो अपने मास की वजह से वो उस रोटेशन को कितना रेजिस्ट कर रही है, दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वहां पे बॉडी के या बॉडी का चारों तरफ कैसा एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से वो हमारे रोटेशनल जो टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं या उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपोज कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
पहले हम लोग को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली पढ़ना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका दूसरा नाम है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं। कभी भी आपको अगर मान लीजिए इसका न्यूमेरिकल आता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम से आए, वो कभी कभी आपको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया के नाम से भी आ सकता है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, ये पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन, इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी विच रिफ्लेक्ट्स हाउ द एरिया ऑफ बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्ररी एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्वांटिटी है वो एक्सिस अगर चेंज कर दी जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर मैं एक्स एक्सिस को यहां पे मानता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक नेट वैल्यू आएगी। अगर मैंने इस एक्स एक्सिस को और थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया या और थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी वो पहली वाली से अलग होगी। तो एक्सिस की लोकेशन चेंज करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब उसका रोटेशनल इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक्सिस डिपेंडेंट है, एक्सिस पे डिपेंड करता है कि आपने एक्सिस कहाँ एज्यूम की है। एक्सिस पे डिपेंड इसलिए करता है कि एक्सिस जब आप चेंज करते हैं तो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है हाउ द एरिया ऑफ बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द टू एन आर्बिट्ररी एक्सिस। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। अब ये जो आई है इसका एक जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आई का आपको फॉर्मूला निकालना है तो एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ एरिया डीए, ये जो छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट, ये एक पूरी बॉडी है, उस बॉडी में मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट माना है। डिफरेंशियल पार्ट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स है और एक्स एक्सिस से वाई। तो अगर मैं मान लीजिए पहले एक्स एक्सिस के अबाउट बात करता हूं तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ एरिया डीए अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पे डीए एरिया चाहिए, और मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट में हमेशा डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिस्टेंस इस डीए का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस डीए का डिस्टेंस मुझे कहां से करना है तो वो मुझे करना है एक्स एक्सिस से, क्योंकि मुझे एक्स के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो एक्स एक्सिस से लेकर डीए तक का डिस्टेंस वाई है, तो यहां पे मैं वाई मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस क्वांटिटी वाई इंटू डीए इज मोमेंट ऑफ एरिया डीए अबाउट एक्स एक्सिस। अब इस मोमेंट का अगर मुझे फिर से मोमेंट निकालना है, एक बार मोमेंट निकालने के बाद इसका मुझे अगर दोबारा फिर से मोमेंट निकालना है तो इसको हम लोग लिख देते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये बाकी चीजें सेम है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। मैं फिर से एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाल रहा हूं, तो ये जो क्वांटिटी थी वाई इंटू डी ए, ये जो क्वांटिटी पहले आई थी इसमें मैं डिस्टेंस का फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई है तो वाई का मल्टीप्लिकेशन फिर से कर दूंगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर डी। एक बार मूवमेंट निकालने के बाद दोबारा जब आप फिर से मूवमेंट निकालते हैं तब दैट इज नोन एज सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। अब ये जो हमने काम किया है ये हमने एक छोटे से डिफरेंशियल पार्ट के लिए काम किया है। अगर इस डिफरेंशियल पार्ट को मुझे पूरी बॉडी के लिए कन्वर्ट करना हो, इस वैल्यू को पूरी बॉडी में कन्वर्ट करना हो, तो मैं यहां लिख दूंगा फॉर होल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए ये क्वांटिटी बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। इस क्वांटिटी का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। इस क्वांटिटी इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो हमें क्वांटिटी मिली है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको लिखते हैं कैपिटल आई। अब
आई का फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। अब यहां से ये हमेशा मैंने भी बताया आपको कि ये डिपेंड करता है कि हमने एक्सेस कौन सी ली है, कहां ली है, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्वांटिटी वेरी कर जाती है। इसलिए जब भी आप ये आई लिखते हैं तो आपको सफिक्स में लिखना पड़ता है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सेस के अबाउट निकाला है। तो क्योंकि हमने एक्स के अबाउट निकाला है तो यहां पर हम दो एक्स लिख देते हैं आई एक्स एक्स। तो ये आई एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, ये इसका जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सिमिलरली अगर आप फिर से मोमेंट ऑफ एरिया डी ए अबाउट एक्स एक्सेस की जगह वाई एक्सेस निकालें, तो वाई एक्सेस से जब आप निकालेंगे, मैं आप लिख दे रहा हूं अबाउट वाई एक्सेस, जब यही काम आप वाई एक्सेस के अबाउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी डी ए, और डी ए की डिस्टेंस वाई एक्सेस से हो जाएगी एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू डी ए। जब आप इसका सेकेंड मोमेंट निकालते हैं अगेन अबाउट वाई एक्सेस, तो एक्स इसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर डी ए। अब ये जो वैल्यू निकली है एक्स स्क्वायर डी ए, ये सिर्फ एक डी ए पार्ट के लिए है। अब मुझे अगर इस पूरी बॉडी के लिए सॉल्व करना है तो मैं लिखूंगा फॉर होल बॉडी, पूरी बॉडी के लिए इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। तो ये जो टर्म है इसको लिखते हैं आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। ये आई मुझे बताना पड़ेगा कि ये कौन से एक्सेस के अबाउट है, तो क्योंकि मैंने वाई के अबाउट सॉल्व किया है तो मैं इसको लिखूंगा आई वाई वाई। तो ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जनरल फॉर्मूले हैं आई एक्स एक्स का और आई वाई वाई का। आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो ये दो फॉर्मूले सॉल्व करने के बाद अगर मैं ये दो एक्स और वाई एक्सेस के अबाउट निकाल लेता हूं, इसके बाद आगे मुझे प्रोसीड करना है, मुझे जेड एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मैं अब इसके बाद जेड एक्सेस के अबाउट चाहूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूं। ये जेड एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके आगे का पोर्शन भी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूसली वीडियोज को सुनते जाइएगा तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।